मेथी की चटनी की रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं। सो स्टार्ट करें आंटी रेसिपी। स्टार्ट। एक स्पून ऑयल, कोई सा भी ऑयल हम यूज कर सकते हैं। एनी ऑयल। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं साई बाबा दासरी एंड लक्ष्मी दासरी जी के घर पे। अंकल आंटी लव्स टू कुक टुगेदर एंड दे आर कुकिंग मेथी की चटनी फॉर यू टुगेदर। ये हमने क्या डाला है अंकल? राई। राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स यहाँ पे हमने 2 स्पून डाला है और क्यूमिन सीड्स हमने 1 चम्मच डाली है। This is 1.5 spoon till seeds, sesame seeds. Yes, sesame. Okay, and these are whole red chilies. Right. So ये अंकल इसको हम सॉटे कौन सी फ्लेम पे करना है? हाँ. कौन सी फ्लेम पे करेंगे हम इसको सॉटे? लो फ्लेम पे. तो देखिए हम अंकल आंटी के घर पे आए हैं। अंकल आंटी loves to cook together. And auntie loves to make chutneys for uncle and uncle likes to also cook with her and help her out in making recipes. और यहाँ पे मेथी। Okay, so these are washed and chopped. Washed, हमने अच्छे से wash करके मेथी लीव डाली है। अच्छा, इसको थोड़ी देर अब हम सॉटे करेंगे। कौन सी फ्लेम पे कर रहे हैं अंकल? विच फ्लेम आर वी डूइंग? स्लो मीडियम? लो फ्लेम ओनली। ओके, हींग। हां, हींग डाल रहे हैं। ओके, एसाफोएटिडा। सो वी हैव जस्ट एडेड एसाफोएटिडा हींग इन इट, लिटिल बिट ऑफ पिंच। टैमरिंड हमने डाला है, थोड़ा सा छोटा सा पीस इसमें। सॉल्ट एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। हां, एज पर टेस्ट। So how many minutes will we saute this? 2-3 minutes. 2-3 minutes हम इसको saute करेंगे। So अगर till the time auntie is cooking, I have a question for you. How did you develop your interest in cooking and helping auntie? No, myself and my mother used to cook for small parties in our home. My father was used to help her in relatives marriages. At cooking places. So like that it became a habit for me for cooking in the, to helping my wife and in the marriages of our relatives to cook. Oh, very nice. After, uncle, after retirement I am free now. So I am giving some hand. Yeah, and now he cooks and every Sunday he cooks as per the wishes of the family, what they like to eat. So this is done. Auntie, yes. This is done. Now we have to dry it. Okay, so we'll switch off the gas. Yes. And we let it cool down. We will let it cool down. और फिर ठंडा होने के बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। तो देखिए अब ठंडा हो चुका है हमारा। तो अब इसकी हम चटनी बनाएंगे आंटी। हाँ, ओके। सो अब चटनी के लिए हम ग्राइंड करते हैं। सो वील जस्ट पुट इट फॉर ग्राइंडिंग। आंटी इज एन चटनी एक्सपर्ट, दैट्स व्हाट आई हैव कम टू नो। आंटी को इतनी सारी चटनियां आती हैं कि आप जो चटनी चाहते हैं वो आंटी आपके लिए बना सकती हैं। मेथी चटनी इज जस्ट वन ऑफ देम। सुनाओ, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। We'll just add a little bit more water. And this chutney you can have with anything. So consistency आप decide कर सकते हैं। But आंटी ये वाली चटनी is good for diabetes, right? Yeah. Good for diabetics. हाँ। So आंटी loves to make these chutneys and आंटी comfortable with English, so uncle is translating. Uncle, ये चटनी हम किस किस के संग खा सकते हैं? चपाती, खाने में, चावल में खा सकते हैं, रोटी में खा सकते हैं।
ओके गुड फॉर डायबिटिक्स, गुड फॉर डायबिटिक्स और बहुत अच्छी लगती है। आप इसको गर्मा गर्म राइस के संग भी खा सकते हैं। तो जस्ट एडिंग मोर वाटर, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो ये देखिए चटनी हमारी बन चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। यू कैन हैव दिस। सो आंटी हाउ डज इट फील व्हेन अंकल हेल्प्स यू इन द किचन? वेरी हैप्पी दैट अंकल हेल्प्स इन द किचन। अंकल हैज सेट अ न्यू स्टैंडर्ड हेयर वेयर यू नो ऑल द हस्बैंड शुड बी हेल्पिंग आउट द वाइफ्स एंड द वाइफ्स आर ऑल्सो हैप्पी विद दैट। अगर आपके घर में भी हेल्प कराते हैं आपके हस्बैंड तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो देखिए मेथी चटनी विद द लवली डुओ ऑफ अंकल आंटी इज रेडी यहाँ पे। सो अंकल यू लव दिस चटनी राइट? यू लव दिस चटनी। नेक्स्ट रेसिपी अब हम अंकल से बनाएंगे टुगेदर, दे आर गोइंग टू कम। आज आंटी ने मेथी चटनी से स्टार्ट करा है एंड द नेक्स्ट रेसिपी जो अंकल लाएंगे वो अंकल की स्पेशलिटी होगी विच ही सेज इज द बेस्ट वड़ा ऑफ ऑल टाइम। सो मेथी चटनी इज रेडी, अब इसको गर्मा गर्म राइस के संग खाइए, डोसे के संग खाइए, चपाती परांठे के संग खाइए और एंजॉय करिए। बाय एवरीवन, बाय बाय।